वेलकम बैक। देखिए आज मैं ट्रांसलेशन लेकर के आया हूं, कुछ ऐसे ट्रांसलेशन जो देखने में अजीबो गरीब लगेंगे लेकिन बनेंगे कुछ दूसरे ढंग से, ठीक है। तो मैं कुल मिलाकर ये आपको सिखाना चाहता हूं कि ट्रांसलेशन को आप हिंदी के माध्यम से मत पहचानिए, आप उसके सेंस के अनुसार यदि पहचानते हैं तब आपको ट्रांसलेशन करना सही आएगा, ठीक है ना। तो वो कोई आप पहचान जो पढ़ते हैं ताहे ती है उससे मत पढ़िए, ठीक है ना। देखिए कुछ नए अंदाज में, नए जोश के साथ आज मैं एक ट्रांसलेशन लेकर गया हूं जो नॉर्मली आपसे अक्सर लोग पूछता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल मजा आएगा, आप इंटरटेनमेंट के साथ सीखिए, पढ़ाई को इंटरटेनमेंट के साथ सीखिएगा तो थोड़ा मजा आएगा। और मैं आपका एक दोस्त के समान हूं इसलिए आप बिल्कुल ही कमेंट करने में बेहिचक कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका आपके प्रॉब्लम पर वीडियो बनाऊंगा और मैं भी बेहतर हो जाऊंगा, ठीक है ना, मैं भी बेहतर से और बेहतर हो जाऊंगा। बस आपका प्यार इस तरह से बना रहे जैसा आप मुझे लगातार दे रहे हैं। तो आइए आपको उसी प्यार से मैं अभिभूत होकर के आज ये ट्रांसलेशन लेकर के आया हूं। तो पहला, जैसे आप लिखते होंगे, यह एक आम खाता है, यह एक आम खाता है, बोलिए इसको कैसे बनाते हैं। तो बहुत लोग आम को देखे तो बहुत से बच्चे आम को मैंगो समझ बैठते हैं, तो इसको मैंगो समझ बैठते हैं और बनाते हैं दिस इट्स अ मैंगो, क्योंकि यह आम खाता है। बोलिए यह क्या, यह कोई पर्सन है, यह तो एक बताइए यहां पे, यह कोई पर्सन है नहीं, बोले यह पर्सन है, यह तो ये खाने का काम कर सकता है दिस, नहीं ना, किसी की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि यह एक आम खाता है। फिर बोलते राम आम खाता है, श्याम आम खाता है, ऐसा बोलते ना, एक लड़का आम खाता है, ऐसा तो नहीं बोलते कि राम एक आम खाता है, नहीं बोलते राम आम खाता है, ऐसा बोलते। तो आप सेंस को देखिए तो ये क्या होगा, यह एक आम खाता है तो आप दिस इट्स अ मैंगो नहीं बना सकते, क्या होगा, यह एक आम खाता है तो आपको सेंस पकड़ना होगा। आम बोला जाता है बोलचाल की भाषा में जनरल साधारण, और खाता सब बैंक में खाता खुलाते होंगे, अकाउंट जिसको बोलते वो खाता की बात कर रहा, यह एक आम खाता, एक खाता का प्रकार है, अकाउंट का प्रकार है, बैंक वाले अकाउंट का, ठीक है, और भी अकाउंट होते हैं। तो आम का मतलब सामान्य, आम का मतलब यहां क्या होगा, सामान्य जनरल, और खाता का मतलब अकाउंट। तो इसका क्या बनाइएगा, दिस इज क्या होगा, अ जनरल अकाउंट, दिस इज अ जनरल अकाउंट, यह एक आम खाते, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वाले अकाउंट की बात कर रहे हैं, कौन वाला, बैंक खाते का, तो ये क्या होगा, सही होगा। और देखिए इस तरह से आप सुने होंगे, गया गया गया, लोग अक्सर आपको ऐसा पूछते होंगे, गया 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 मतलब क्या होता है, गया गया गया, आप जैसे ही बोल रहे हैं, अगर जो गया 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 को हम इस जगह पे यदि हम बोलते हैं राम गया गया, राम गया गया, राम गया जाता है, देखिए तो राम गया जाता है, तो इसका मतलब क्या समझ गए कि राम एक पर्सन है, गया एक जगह का नाम है और जाना एक क्रिया है। उसी प्रकार राम गया गया यानी राम एक जगह का नाम है, गया एक सॉरी राम एक व्यक्ति का नाम है, गया एक जगह का नाम है, और गया यानी जाना का पास्ट फॉर्म क्या होगा, गया, बोलते हैं ना, मैं घर गया वह चला गया, ऐसा करके।
तो यहां पे गया गया गया, तो राम के जगह पर एक और गया लिखा गया। तो यहां पे आपको क्या पता चला, ये गया जो है वो पर्सन है, और ये गया जो है वो प्लेस है, और ये गया जो है वो जाना यानी वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप इसको कीजिएगा तो होगा, आप बनाइए आपको समझ में आएगा। जब तक ये कॉन्सेप्ट समझते नहीं तब तक आपको बनता ही नहीं। अब इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। गया गया गया, तो ये गया नाम है, कैपिटल लेटर से लिखिएगा, ठीक है ना। गया, ये भी गया, तो बोलिए ये गया है तो ये प्लेस है, तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पीछे लिखते हैं, तो गया और जाना, जाना का वी टू क्या होगा, वेंट। बोलिए किसी जगह से जुड़ता है तो क्या होगा, प्रीपोजिशन टू लगेगा। मैं प्रीपोजिशन में बताया हूं, ठीक है, विशेष जानकारी के लिए आप प्रीपोजिशन में जो आपको टॉपिक है टू और फ्रॉम उसमें देखिएगा, तो मैं टू के बारे में बताया हूं कि टू का प्रयोग जुड़ने के अर्थ में होता है। तो गया वेंट टू गया, इस तरह से आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, गया वेंट टू गया, ये गलत होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन को छोटा अक्षर से लिखा नहीं जाता, और यहां गया व्यक्ति का नाम है और यहां गया वस्तु का नाम है, तो दोनों कैपिटल लेटर से ही लिखी, ठीक है। तो और भी देखिए इस तरह से मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। गया ये जगह है बिहार में, गया जिला बहुत फेमस है, आप बोध गया का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। द लाइट, द लैंड ऑफ इनलाइटमेंट एंड सेल्वेशन, ठीक है ना, मोक्ष एवं प्रकाश की भूमि, कहां ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि, गया बोध गया नाम सुने ना, जहां बौद्धिस्ट लोग आते हैं, तो वो गया मैंने लिखा था। चलिए आगे आगे देखिए, एक और मैं लिख रहा हूं, लाल 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 हो गया, लाल 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 हो गया, मजा आ रहा होगा ये ट्रांसलेशन देखकर कि नहीं। लाल 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 हो गया, तो बताइए लाल 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 हो गया तो इसको कैसे पढ़ेगा। अब देखिए यदि हम इसी वाक्य को लिखे, सोहन लाल लाल हो गया, तो अभी भी ये शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। अब इसी को लिखते हैं, सोहन लाल, लाल होना एक मुहावरा पढ़े होंगे, मतलब गुस्सा होना पढ़े ना। यदि इसको लिख दे सोहन लाल गुस्सा हो गया, तो आप बहुत आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। अब सोहन के जगह पर क्या लिखा हुआ है, लाल, और लाल एक टाइटल होता है, आपको पता होगा लाल लाल, सोहन लाल, मोहन लाल, ये लाल वो लाल, आप नाम के साथ लाल का इस्तेमाल करते हैं, और ये लाल होना ये क्या है, मुहावरा। तो ये नाम है लाल लाल, सोहन लाल के जगह पर हमने क्या लिखा, लाल लाल। तो आप ध्यान दीजिए कि बड़ा अक्षर से लिखिएगा, लाल लाल गुस्सा हो गया, तो गुस्सा होना का क्या होता है, बीकेम एंग्री, है ना। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, लॉजिकली बनाइएगा तो बहुत आसान से बनेगा। अब इसको रेड 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 बिकम रेड, ऐसा तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। रेड रेड बिकम रेड, रेड तो पहले से, तो बिकम रेड कैसे होगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट के अनुसार आप बनाइएगा, इसको ही बना सकते हैं, सोहन लाल बिकम एंग्री, इसमें भी सोहन लाल बिकम एंग्री। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, एक देखिए बिहार बोर्ड में एक बार एग्जाम में पूछा था, पौ फट चुकी है, पौ फट चुकी है, तो देखिए इसको लोग क्या समझ बैठे थे, पौ, पौ मतलब पैर, पैर फट चुकी है, लेकिन एक मुहावरा है, पौ फटना का मतलब क्या होता है, सुबह होना, पौ फट चुकी है इसका मतलब उषा काल हो चुका है, तवश्चुभ हो चुका है, मतलब सुबह, ठीक है ना। सुबह में जिसको हम लोग डॉन बोलते हैं, डी ए डब्ल्यू एन, डॉन मींस क्या होता है, भोर, भोर के बाद जैसे ही सुबह होती है, तो उसको अर्ली मॉर्निंग जिसको आप बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पौ फटना, अर्ली मॉर्निंग। तो बोलिए इसको पौ फट चुकी है तो कैसे बनाएगा, बोलिए लेग इज क्रैक, सोल इज क्रैक,
सोल इज क्रैक्ड या लेग इज क्रैक्ड, वो तो नहीं बना सकते। इसको बनाना होगा तो इसका सही ट्रांसलेशन आपका क्या होगा, इट इज अर्ली मॉर्निंग, इट इज अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से मैं आज के वीडियो में बस इतना ही डाल रहा हूं, लेकिन मैं आपको आगे भी इस तरह की वीडियो देता रहूंगा। ठीक है, आप बस कमेंट करना मत भूलिएगा, आपका कमेंट मेरे लिए बेहद जरूरी है। आपके कमेंट के सहारे ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, इसलिए आप जिस तरह से प्यार लगातार दे रहे हैं, देते रहिए। ठीक है, तो मैं आगे भी वीडियो डालता रहूंगा, तब तक मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।